रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर एंड मिसेस खान के किचन में वेलकम करती हूँ आपको। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ, हम बनाने जा रहे हैं मटन कौरमा। देगी स्टाइल में हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएगी, ऑब्वियसली मटन का बना रहे हैं, तो ये है मेरे पास 1.5 किलो का मटन। इसमें यहाँ पर है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पपरिका का पाउडर, ये है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है ये है 1 टीस्पून केवड़ा पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पर है ये जायफल जावित्री। ये जावित्री मैंने एक टुकड़ा लिया हुआ है, और जायफल पिसी हुई है मेरे पास। और साबुत मसालों में ये जा रही हैं, तो इसमें है 2 अदद बे लीफ, 2 से 3 टुकड़े मैंने लिए हुए हैं दालचीनी के, और इसी तरह 2 अदद मोटी इलायची है, 4-5 अदद मेरे पास हैं हरी इलायची, और ये है लौंग जो कि मैंने लिए हुए हैं 8 से 9 अदद, और इसी तरह काली मिर्च जो साबत है ये तकरीबन 19-20 अदद की हैं, और यहाँ पर मैंने लिए हुए 5 अदद मीडियम साइज़ के ये हैं टमाटर जिसे हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है, जिंजर और गार्लिक ये यहाँ पर हैं तकरीबन 8 से 10 अदद जवे यहाँ पर थे लहसुन के, और इस तरह 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया हुआ था यहाँ पर जिंजर का। कुकिंग ऑयल 1.5 कप जा रहा है, 1 कप एंड प्लस 1/2 कप, एंड तकरीबन 2 कप मैंने लिया हुआ यहाँ पर दही। आइए हम स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मैंने कर दिया है ऑन। मैंने लिए हुए 1 अदद हांडी जिसमें मैं ये तमाम कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। क्योंकि ये हम कोरमा बना रहे हैं तो इसमें कुकिंग ऑयल वगैरह बिल्कुल खुला जाता है, ये जो है हमारे ट्रेडिशनल खाने इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी प्याज, और प्याज को हम सुनहरी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसमें। तरह इसे हम ब्राउन कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम इनको निकाल के और बाकी की तैयारी फिर हम साथ में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज अच्छी तरह देखिए सुनहरे ब्राउन हो चुके थे, और फिर मैंने इसे निकाल दिया था इस तरह, और यहाँ मैंने इसे ग्रीस प्रूफ पेपर पे इस तरह बिछा दिया है। इसको अब रखेंगे साइड पर ठंडा होने के लिए, और सेम ही ऑयल में मैं इसमें अब शामिल करूँगी ये जो हमने गोश्त आपको बताया था, बिस्मिल्लाह, और इसे मैं भूनूंगी, चूल्हा कर दूंगी तेज़, और साथ ही मैं इसमें साबुत मसाले जो हमने आपको बताए थे वो शामिल कर दूंगी। जिंजर और गार्लिक, और इसे मैं अब मिक्स कर लूंगी। अब ये जो गोश्त है ये अपना पानी छोड़ेगा, तो इसमें अभी थोड़ा सा मैं इसकी भुनाई करूँगी, और साथ फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें शामिल करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे गोश्त को, और इसका काफ़ी सारा देखिए मॉइस्ट निकल आया है गोश्त का। अभी मैंने इसमें कोई बाकी के मसाले शामिल नहीं किए, अब इस स्टेज पर मैं इसमें तमाम मसाले भी शामिल कर दूंगी, और साथ साथ इसकी भुनाई भी कर लूंगी। फिर इसके बाद मैं गोश्त में पानी शामिल करूंगी, क्योंकि ये गोश्त में टाइम लगता है इस पर, तो गलाने के लिए इसमें मैं पानी भी शामिल कर दूंगी। अब इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, पपरिका पाउडर, ये कलर के लिए है, हल्दी पाउडर, ये जनाब इसमें जा रहा है धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें आप
और अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। नमक और मिर्च वगैरह जो होता है वो हर घर में कम ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाला कीजिएगा। और ये है जायफल अंजवित्री और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी नमक। और इनको मैं कर दूंगी मिक्स। अब इसमें मैं दही भी शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा मैं मसाले मिक्स कर लूं। जब तक ये मिक्स होगा मैं दही को थोड़ा इस तरह फेंट लूंगी। ये जनाब मेरे पास 2 कप दही है। अब इसमें ये शामिल कर दूंगी। और मिक्स कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। देखिए मैंने जो ही इसमें दही डाला, क्योंकि दही ठंडा था तो इसकी जो हीट थी वो कम हो चुकी है। अब कोई बात नहीं, अब इसमें दोबारा से हीट जमा हो जाएगी। ये देखिए गोश और दही का काफ़ी सारा पानी निकल आया है, तो इसे मैं अब ये करूँगी कि इसे मैं ढक कर इसी पानी में पकने के लिए रख दूँगी। फिर अगर गोश नहीं गला होगा तो उसके बाद मैं इसमें बाकी का पानी शामिल करूँगी। लेकिन अभी इसका मैं चूल्हा कर देती हूँ स्लो, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक इसको इसी तरह रहने दूँगी ताकि हमारा गोश अच्छी तरह पक जाए। इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए गोश्त तकरीबन 40 मिनट उसी पानी में पकता रहा है, गोश्त का अपना जो पानी था और दही का। अब ये गला नहीं है, इसे मैंने चेक कर लिया है, लेकिन अब इसमें हम और पानी शामिल करेंगे इसको गलाने के लिए ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए, क्योंकि ये मटन का गोश्त है तो अभी सख्त है। तो यहाँ पर मैंने केटल का पानी बॉयल किया हुआ था, तो उसे मैं 2 कप तकरीबन इसमें शामिल कर दूँगी। ठंडा पानी में नहीं डालूंगी। सो से और अभी पकाएंगे मज़ीद, फिर से इसे मैं ढक कर पकाने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये कम्प्लीटली कुक हो जाए, गोश्त गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे से ये गोश्त पक रहा है और ये अभी गल चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे हमारे जो प्याज हमने ब्राउन करके रखे हुए थे, इसे मैंने देख लिए पीस लिया है इस तरह। और अब मैं इसमें ये शामिल करूंगी और मैं आपको दिखा दूं हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। ये देखिए अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। इसे मैंने हल्का मतलब दरदरा सा क्रश कर दिया था, अच्छी तरह से हम इसमें मिला लेंगे ताकि ये प्याज यकजान हो जाए इसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इस स्टेज पे अब आप इसमें नमक और मिर्च वगैरह अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिएगा, जितना तेज़ आप खाते हैं या हल्का उस हिसाब से आप हमेशा नमक और मिर्ची डाला कीजिएगा। अच्छी तरह से मैं थोड़ी देर भून लूँगी
चूँकि हमारा गोश्त पक चुका है, सो अभी हम इसकी अच्छी तरह प्याज के साथ भुनाई कर लेंगे। बस थोड़ी ही देर में ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी मैंने तकरीबन देखिए अच्छी तरह भुनाई कर ली है, तमाम मसाले और प्याज वगैरह इसमें अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये केवड़ा शामिल कर दूंगी। केवड़ा वाटर है ये मेरे पास, ये खुशबू के लिए जाता है। कोरमा आप अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए इसमें केवड़ा भी शामिल कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखनी है। अगर आप बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं तो ये अब तैयार है, इसका चूल्हा बंद कर दीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें मॉइस्ट बनाना है, ग्रेवी बनानी है। तो अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूंगी और ये भी गर्म पानी है और हल्की आंच पे मैं 2-3 मिनट ही इसे रखूंगी और बस हमारा कोरमा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा जो कोरमा है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है और हम इसे नोश फरमाएंगे शीरमाल के साथ। आप इसे नान, चपाई और वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा, आप भी बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। और अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। इजाज़त लेने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलूँगी अगली कोई अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।